सो मैंने बहुत बार अपनी पुरानी वीडियो में भी इस टॉपिक के बारे में बात करी है, इवन दो कुछ लोग इन चीज़ों से एग्री नहीं करते और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं उन लोगों का। खैर, ओपिनियन अपने अपने सबके होते हैं। सोनी जो प्लेस्टेशन है वो इनिशियल रिलीज के टाइम कुछ टाइम के लिए घाटे में बिकता है। डेट मीन्स कि जो पैकेज सोनी बनाकर देता है उस पैकेज से सोनी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता। हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मेरे उस पर कुछ पैसे लगे, लेकिन मैंने उस प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखा कि उससे पैसे भी आ जाएं और अगले प्रोडक्ट के लिए भी मुझे उससे मुनाफा हो जाए। लेकिन सोनी के केस में ऐसा नहीं होता। जो प्रॉपर सोनी का प्लेस्टेशन शुरू में बिकता है वो बहुत कम प्राइस पे बिकता है। मतलब इंडिया में ही लगा लो, आपको 50,000 में एक ग्राफिक कार्ड तक देखने को नहीं मिलेगा, जिस प्राइस पॉइंट पर आपको एक पूरे का पूरा प्लेस्टेशन मिल जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पर पीसी वर्सेस कंसोल कंपेयर नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि क्यों सोनी इतना घाटे में बिकता है। बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है सोनी की तरफ। सोनी को पता है कि पहले घाटे में बेचने के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और सोनी की तरफ से जो रिसेंट ये इन्वेस्टर डे निकला है, उन्होंने वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दी सारे इन्वेस्टर को बताने के लिए जो इन फ्यूचर सोनी चीज़ें करने वाला है उससे कैसे मुनाफा होगा। इसी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो सोनी एज अ कंपनी में पैसे लगाएंगे। ऑब्वियसली बात है, हर कंपनी को इन्वेस्टर चाहिए, जैसे हमें मेंबर्स चाहिए वैसे सोनी को इन्वेस्टर चाहिए। खैर, तो उस प्रेजेंटेशन में सोनी ने बताया था कि अब तक मतलब फेब तक सोनी को जो भी हुआ वो सारा नुकसान है और कुछ महीनों में सोनी जो है उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जितना लगेगा उतना उसको रिटर्न आ जाएगा और उसके बाद सोनी को प्रॉफिट होने लग जाएगा। सो ये है वो प्रेजेंटेशन जो सोनी की तरफ से आई है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की सिर्फ दो चीज़ें हैं। प्लेस्टेशन 5 का स्टैंडर्ड एडिशन है, वो ये पॉइंट था जून में जहाँ पर इसका जो लगता है मतलब जो प्राइस पे प्लेस्टेशन बनता है कंपनी को, वो प्राइस पॉइंट जो होलसेल प्राइस है उसके करीब आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जून में जाकर ये उस मेन पॉइंट पर पहुंच जाएगा और उसके बाद इसको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टर को यही चाहिए ना कि भाई हम जहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में कुछ प्रॉफिट हो ऐसी प्लेस्टेशन जैसी चीज़ों से। बेसिकली सोनी घाटे में क्यों बिकता है, बिकॉज सोनी का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो प्लेस्टेशन एज अ कंसोल पर नहीं, जो उसके साथ एक्सेसरीज आती हैं उस पर होती है। बिकॉज आप कंसोल एक बार लोगे लेकिन ये चीज़ें टाइम टू टाइम बदलनी पड़ती हैं। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर खराब होते रहते हैं और प्लेस्टेशन की जो प्लस वाली मेंबरशिप है वो मंथली बेसिस के है, तो वहाँ से मुनाफा होता है तो ये घाटा झेल लेते हैं एक कंसोल के ऊपर। अभी यहाँ पर पीसी ओनर्स के लिए कुछ खास है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि खास करके यहाँ इंडिया में प्लेस्टेशन 5 ओनर बहुत कम है, प्लेस्टेशन ओवरऑल इंडिया में बहुत कम बिकता है। तो यहाँ पर सोनी का मेन फोकस प्लेस्टेशन पर नहीं है, यहाँ पर सोनी का मेन फोकस पीसी के लिए है और यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इन्होंने इंडिया का फ्लैग भी लगाया हुआ है। पीसी का जो सेक्शन है ना वो मेनली हमारे जो रीजन है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है और बहुत लोगों के पास पीसी है, इसी वजह से सोनी ज़्यादा प्लेस्टेशन गेम्स ऑन पीसी रिलीज कर रहा है। होराइजन जीरो डॉन से जो इनको प्रॉफिट हुआ उससे इनको एक चीज़ समझ आ चुकी है कि गेम्स पीसी पर इनके जो फर्स्ट पार्टी टाइटल हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और डेज गॉन उसके बाद गेम आई है होराइजन जीरो डॉन के, और डेज गॉन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पर एक और काफ़ी अच्छा टाइटल आने वाला है, जूम इन करके दिखा देता हूँ, अनचार्टेड 4 अ थीव्स एंड, ठीक है। तो ये इनकी प्रेजेंटेशन में शामिल था जो कि पीसी पर रिलीज़ होने वाला है, और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि भाई एक और टाइटल, ट्रिपल ए टाइटल, प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल, फर्स्ट पार्टी प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव ट्रिपल ए टाइटल पीसी पर रिलीज़ होने वाला है। ये तो ड्रीम कम ट्रू है। सो इस प्रेजेंटेशन में गेम की रिलीज के बारे में कुछ भी नहीं है, वो हमें आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा। मे बी ये गेम इसी साल के एंड तक पीसी पर रिलीज हो सकती है या फिर अगले साल की शुरुआत में। तो जिनको नहीं पता, ये टाइटल 2016 में रिलीज हुआ था, ये कोई रीसेंट टाइटल नहीं है। आई विश बाकी गेम्स भी आ जाएं। खैर, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली इस पीडीएफ से रीड कर सकते हो। आप कौन सी गेम देखना चाहोगे इस गेम के अलावा ऑन पीसी, मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।